हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरेक्टिव क्लासेस हेलो एवरीवन, टुडे वी विल वर्क इन टू सब्जेक्ट्स फर्स्ट इन इंग्लिश एंड सेकंड इन ड्राइंग। वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश राइटिंग बुक कर्सिव वर्कबुक पार्ट वन बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम आपकी कलरिंग बुक में वर्क करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और ये आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है पार्ट एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर और अब हम आपकी इंग्लिश राइटिंग बुक के पेज नंबर फिफ्टी टू पर हैं तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर फिफ्टी टू निकालेंगे एंड आर टूडे टॉपिक इज कैपिटल लेटर पी एंड कैपिटल लेटर क्यू आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल लेटर पी एंड कैपिटल लेटर क्यू राइट स्टूडेंट्स तो आज हम कैपिटल लेटर पी और क्यू अपनी बुक में लिखेंगे ठीक है ना जैसे कि हमें बुक में दिया गया है पहले हमें ट्रेसिंग में दिया हुआ है तो हम ट्रेसिंग में लिखेंगे और उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग में नहीं है वहां पर हम डॉट्स की हेल्प से पी और क्यू करेंगे तो चलिए दिस इज पी एंड पी फॉर पेंसिल पी एंड पी फॉर पेंसिल पेंसिल कैसे बोलते हैं पेंसिल जिससे कि आप अपनी बुक और नोटबुक में वर्क करते हैं ठीक है ना अब पी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमें एक स्लंटिंग लाइन बनानी होती है उसके बाद उसको पीछे से कर्व करके और एक सर्कल बनाना होता है आगे की तरफ ठीक है तो बन जाएगा पी चलिए स्टार्ट करते हैं डॉट से शुरू करते हुए सबसे पहले एक स्ल्टिंग लाइन बनाएंगे फिर दूसरी जगह पे स्ल्टिंग लाइन और पीछे की तरफ से कर्व करके ऊपर डॉट पे ले जाएंगे फिर स्लैंटिंग लाइन कर्व करके डॉट पे और फिर आगे छोटा सा सर्कल राइट तो इस तरीके से पेंसिल बन जाएगा। तो इस तरीके से तो आप अपनी जो ट्रेसिंग वाली लाइन है उन पर बनाएंगे उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर आप किस तरीके से बनाएंगे ये हम देखते हैं जहां पर आपको ट्रेसिंग नहीं दी गई है ओनली वन डॉट दिया गया है वहां पर हम क्या करेंगे वन डॉट आपको यहाँ पर दिया है ऊपर उसके बाद वन डॉट हम यहाँ पर ब्लू लाइन में लगा लेंगे नीचे ठीक है ना इस तरीके से वन डॉट एक और लगा देंगे यहां पर और फिर क्या करेंगे ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट तक एक स्लान्टिंग लाइन बनाएंगे फिर इसको पीछे से कर्व करके ऊपर डॉट पे ले जाएंगे और फिर आगे छोटा सा इस तरीके से सर्कल बना देंगे तो बन जाएगा पी पी फॉर पेंसिल अगेन एक और डॉट लगाया स्लांटिंग लाइन फिर पीछे से कर्व करते हुए डॉट पर ले जाएंगे ऊपर और आगे की तरफ एक सर्कल बना देंगे तो पी फॉर पेंसिल राइट स्लांटिंग लाइन कर्व एंड सर्कल आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ एक स्लंटिंग लाइन बनाएंगे फिर कर्व करके ऊपर डॉट पर ले जाएंगे और फिर आगे की तरफ एक सर्कल बना देंगे तो बन जाएगा पी फॉर पेंसिल राइट right? तो इस तरीके से आप अपनी बुक में पेज नंबर फिफ्टी टू एंड पेज नंबर फिफ्टी थ्री पर भी आपको पी बनाना है तो पहले ऊपर जहां पे ट्रेसिंग है वहां पर उसी तरीके से बनाएंगे और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर इस तरीके से वन डॉट और लगाएंगे और स्लैंटिंग लाइन कर्व करके एक सर्कल बनाएंगे तो बन जाएगा लेटर पी पी फॉर पेन्सिल राइट right? बोल बोल के आप लिखेंगे पी फॉर पेंसिल पी फॉर पेंसिल राइट तो इस तरीके से बच्चों पेज नंबर 52 एंड पेज नंबर 53 पर आपको पी फॉर पेंसिल बनाना है राइट right? अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे पेज नंबर 54, राइट पेज नंबर 54 पर है क्यू क्यू फॉर क्वीन क्यू फॉर क्वीन ठीक है क्यू फॉर क्वीन क्वीन बोलते हैं रानी को राइट यह है क्यू और क्यू फॉर क्वीन तो हमें क्या करना है यहाँ पर क्यू बनाना है तो क्यू बनाने के लिए क्या करना होता है पहले हमें एक सर्कल बनाना होता है इस तरीके से और फिर नीचे से उसकी एक टेल बनाने लेनी है इस तरीके से राइट तो बन जाएगा क्यू क्यू फॉर क्वीन तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर हमें एक डॉट दिया गया है डॉट से हमें हाफ सर्कल बनाया फिर सेकेंड वाले में एक हाफ सर्कल को फुल सर्कल बना दिया फिर थर्ड वाले में फुल सर्कल एंड नीचे उसकी एक टेल बना दी इस तरीके से कर्व करके राइट तो बन जाएगा क्यू फॉर क्वीन राइट अब जहां पे ट्रेसिंग नहीं दी गई है ये तो आपने ट्रेसिंग पे इस तरीके से कर लेंगे और जहां पर ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर हम क्या करेंगे जैसे अभी पी में एक डॉट हमने लगाया था उसी तरीके से हम क्यू में भी एक डॉट लगाएंगे और ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट तक एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से और फिर जो नीचे हमने डॉट लगाया उस डॉट से इस तरीके से उसकी टेल बना देंगे राइट ध्यान से देखेंगे पहले एक सर्कल बनाया और फिर जो नीचे डॉट है वहां से एक तरीके से उसकी टेल बना देंगे तो बन जाएगा क्यू फॉर क्वीन क्वीन मीन्स रानी राइट एक सर्कल बनाया और उसके बाद उसकी टेल निकाल दी फिर एक सर्कल बनाया और उसकी यहां से टेल ठीक है ना नीचे वाला जो हम डॉट लगा रहे हैं वहां से आप उसकी इस तरीके से टेल बना देंगे इसी तरीके से पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर भी आप यही करेंगे ठीक है ना ऊपर ट्रेसिंग वाला पोर्शन आप करेंगे और उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं दिए वहां पर आप एक डॉट लगाएंगे नीचे फिर एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनाने के बाद हम नीचे वाले डॉट से इस तरीके से उसकी टेल बना देंगे तो बन जाएगा क्यू फॉर क्वीन राइट ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से बन रहा है और अपनी बुक में आप इसी तरीके से साफ साफ पी एंड क्यू बनाएंगे राइट right? तो बन गया ये लेटर Q, राइट स्टूडेंट्स आई होप कि आपको दोनों लेटर अच्छे से समझ में आए होंगे कि कैसे बनाने हैं आप डॉट्स का यूज करेंगे और इसी तरीके से दोनों लेटर को अपनी बुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में बनाएंगे राइट right? और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे जो है आपकी कलरिंग बुक में एंड नाउ दिस इज योर कलरिंग बुक फाइन आर्ट्स एक्टिविटी पार्ट ए और बच्चों ये आपकी ड्राइंग की बुक है फाइन आर्ट्स एक्टिविटी पार्ट ए एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर सिक्सटीन और अब हम आपकी कलरिंग बुक के पेज नंबर सिक्सटीन पर हैं, तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर सिक्सटीन निकालेंगे एंड आर टूडेज टॉपिक इज कलरिंग फॉर बलून आज का जो हमारा टॉपिक है कलरिंग के लिए वो है बलून राइट right. इससे पहले के पेजेस 15 तक के पेजेस मैंने आपको हॉलिडे होमवर्क में दिए थे विंटर्स में तो वो आप सभी ने शायद कर लिए होंगे अपनी अपनी बुक में और आज हम पेज नंबर 16 पर कलरिंग में यहां पर बलून बनाएंगे राइट right. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्मॉल बलून बना हुआ है ठीक है ना अब आपको सेम यही कलर यहाँ पर बिग वाले बलून में फिल करने हैं ठीक है ना जिसमें कि कलर नहीं फिल किए हुए आपको क्या करना है ऊपर वाले बलून में देखने हैं कि यहाँ कहाँ कौन सी जगह पर कौन सा कलर है और फिर सेम वही कलर आपको इस बिग वाले बलून में फिल करने हैं ठीक है बच्चों तो ध्यान से कलर को पहचानेंगे उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा कलर है और फिर उसको सही प्लेस पर अच्छे से फिल करेंगे राइट आई होप कि आप इस बलून को और भी सुंदर बनाएंगे तो आज के लिए इतना ही Thank you and good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.